दतिया पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ दतिया पहुंचे भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी देवाशीष जरारिया के समर्थन में जनता से बाय-टाई की अपील मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने 15 मिनट के उद्बोधन में मंच से की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर कोसा। अपने भाषण में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की जमकर आलोचना की मुख्यमंत्री ने मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा शिवराज भ्रष्टाचार से डूबा हुआ प्रदेश छोड़कर गए थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तमाम आरोप लगाए और कन्नड़ कसे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंच पर पहुंचते ही कई गणमान्य नागरिकों ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश सिंह रावत, पूर्व भाजपा विधायक कासाराम महिरवार, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राम सहाय छिरोलिया ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया। हम विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। देवशील जारिया जी सरल स्वभाव के, जैसे मैंने कहा इनकी सेवा की भावना है। ये केवल सेवा के लिए हमने चुना है ने कि ये जो उपेक्षित इतिहास है, इस पूरे क्षेत्र का जो उपेक्षित इतिहास है, हम एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं। और ये केवल हमारे उम्मीदवार ही नहीं है, ये कमलनाथ के प्रतिनिधि आपके दतिया में होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत दिनों बाद भिंड का झंडा, भिंड दतिया का झंडा थोड़ा दबा रहा। अब तो भिंड दतिया का झंडा हमारे देश की संसद में कांग्रेस का ले रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे किसानों की बात नहीं कर रहे आप, तो बात करें देश मेरे नीचे सुरक्षित है। कह रहे हैं ना देश मेरे नीचे सुरक्षित है, जैसे कि 5 साल पहले देश असुरक्षित था, 10 साल पहले देश असुरक्षित था। मोदी जी कहते केवल मैं ही देश की रक्षा कर सकता हूँ। मोदी जी जब आपने पैंट पजामा पहनने नहीं सीखा था, नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी ने इस देश की फौज बनाई थी, नेवी बनाई थी, इतिहास एयरफोर्स बनाई थी और सैनिक स्कूल बनाए थे, हमारी मिलिट्री अकेडमी बनाई थी। और आप कहते केवल मेरे नीचे देश सुरक्षित है, पर मोदी जी जो आप कहते नहीं है कि सबसे ज्यादा आतंकी हमला कर हुआ जब भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, मैं संसद में बैठा था, संसद में आतंकी हमला हुआ, किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब कारगिल हुआ किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और जब अभी पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो मोदी जी आपकी सरकार थी, आपको तो देश से माफी मांगनी चाहिए थी। ये कलाकारी, ये गुमराह करना, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, क्योंकि आप हिसाब नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते, ये सच्चाई आप सबके सामने। और मैं तो आज आपसे दतिया के लोगों से यही कहने आया हूं कि दतिया के विकास की जिम्मेदारी आप देवाशीष को चुनेंगे इसकी तो होगी, पर दतिया के विकास की जिम्मेदारी कमलनाथ की होगी। और हमने वचन दिया था कि हम एक नया इतिहास बनाएंगे, हम एक नई दृष्टि से कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। हमने शुरुआत करी जो राहुल जी ने कहा था कि किसानों को हम रात पहुंचाएंगे। हमने कर्जा माफ की कार्रवाई शुरू करी और 75 दिनों में, मेरे पास केवल 75 दिन थे, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई, 75 दिनों में हमने 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। ये तो एक हाथ है, ये उपाय नहीं है। आज तो चुनौती हमारे सामने है कि जो बढ़ता हुआ उत्पादन हमारे किसानों का है, उनके साथ कैसे न्याय हो, उनको सही मूल्य, उचित मूल्य और सही मूल्य कैसे मिले। पर शिवराज सिंह जी चिल्ला रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूँ कि आप सच 15 साल आपने झूठ बोला है,
15 दिन और झूठ बोल लीजिए। हमने तो शिवराज सिंह जी आपके भाई का भी कर्जा माफ किया है, आपके भतीजे का कर्जा माफ किया है, और आप गुमराह करना चाह रहे हैं। जो आप चिल्लाते थे कि मैं किसान का बेटा हूँ, शिवराज जी आपने एक कौड़ी पैसे का कर्जा माफ किया, आपने किसानों को क्या सही मूल्य दिया? आप तो कहते थे मैं किसान का बेटा हूँ, कैसे किसान के बेटे हैं शिवराज सिंह जी? जहाँ किसान के पेट में मारी लात और छाती में मारी गोली, और आप कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, और कहते अच्छे दिन की अच्छे दिन आ रहे हैं। अब तो जनता चिल्ला रही है मोदी जी आखिरी दिन आ रहे हैं, आखिरी दिन आ रहे हैं मोदी जी आपके, अब जनता चिल्ला रही है। आपने कितनी कलाकारी करी, कितनी कलाकारी करी। आज दतिया के पवित्र भूमि, दतिया के पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ, और याद करता हूँ कि मोदी जी ने क्या क्या कहा था कि मैं गंगा साफ करूंगा। कहा था ना गंगा साफ करेंगे, शिवराज जी ने कहा था मैं नर्मदा साफ करूंगा, रेस्ती कौन क्या साफ करेगा? शिवराज ज्यादा बड़े कलाकार भी निकले, उन्होंने 600 रुपए का वृक्षारोपण कहा मैं नर्मदा में कर रहा हूं। मैं देखने गया 600 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण, समझिए, मैं देखने गया इतना बड़ा घोटाला, 1 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण नहीं 600 करोड़ रुपए का घोटाला। और मोदी जी आप गंगा साफ करने निकले थे, गंगा तो साफ हुई नहीं, बैंकों को आप साफ कर गए, और जिसकी नियत साफ नहीं हुए वो क्या गंगा साफ कर सकता है? ये बात आप सबके सामने है। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये तस्वीर देख लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। क्या क्या मोदी जी ने नहीं कहा, कैसे